आप बहुत ही वीक फील कर रही हैं, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे एक फ़ोन करना है पहले। साहब, ये पर्स मिला है। इस आदमी को जानते हैं आप लोग? नहीं, हमने नहीं देखा ऐसे कभी। वीरन, मुझे लगता है ये उन्हीं में से किसी एक का पर्स है जिन्होंने ये हमला किया है। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ये आदमी अटैक कर सकता है, आई एम श्योर। हवलदार जी सर, ये काम करो, ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और पता करो कि ये कौन है। एक बार हाथ में आ गया ना तो दो लगते ही सब कुछ सच बता देगा। आई जस्ट नीड सम वाटर, मुझे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है। आई विल जस्ट कम बैक। खुशी, खुशी तू ठीक है ना? खुशी तू कहाँ है? बता, जल्दी बता खुशी। पापा, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ और अभी मेरे साथ ही है। ठीक है खुशी, प्रताप जी मेरे साथ है। हम लोग आते हैं हॉस्पिटल। ओके पापा। क्या हुआ कार्तिक जी, क्या कह रही थी खुशी? हम लोग को जाना होगा सिटी हॉस्पिटल में। खुद तो मरोगे, मुझे भी मर पाओगे। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। खुशी की जगह मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और तो और इतना बड़ा सबूत छोड़ के मेरे घर में अपना वॉलेट। पुलिस के हाथ लग गया है वो। मेरा कहा मानो तो अपना बोरिया बिस्का बांध के भाग जाओ शहर से, क्योंकि सारे शहर की पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है। अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं भी फंस जाऊंगी, इडियट। What are you doing? प्रताप, come on, leave me! छोड़ो मुझे, you're hurting me! प्रताप, आओ! सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना घर साफ कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। अरेस्ट हो उन गुंडों को। इसी औरत ने इस घर में भेजा है। She is the mastermind। ये जो असॉल्ट हुआ है ना, उसके पीछे इसी औरत का हाथ है। और अगर मेरे बेटे या मेरी बहू को कुछ भी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये औरत जिम्मेदार है उसके लिए। विश्वास नहीं होता कि कभी इस औरत से मैंने शादी भी की थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इतने चार्जेस लगाइए कि ये जिंदगी भर बाहर की दुनिया ना देख पाए। प्रताप प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करो प्लीज। देखो, मेरा बेटा मेरे बिना जी नहीं सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ कामनी। तुम बाहर रही ना, सच में मेरा बेटा जी नहीं पाएगा। पैदा वो भले ही 25 साल पहले क्यों ना हुआ, पर उसकी आंखें अब खुलेंगी। ले जाओ इसे। गायत्री। प्रताप प्लीज, प्लीज प्रताप, डोंट डू दिस प्लीज। प्रताप, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, डोंट डू दिस। प्रताप प्लीज, ले चलिए इन्हें। यमराज से लड़के इसे वापस लेकर आई है वो। और अगर आप इन दोनों को साथ साथ नहीं रखेंगे तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अभी उन लोगों ने तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की। वो लोग, वो गुंडे, वो खुशी को मारने आए थे और उन लोगों को तुम्हारी माँ ने भेजा था। डैड, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। फिर तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ तो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने की पूरी कोशिश कर ली। डॉक्टर, मुझे अपनी खुशी से मिलना है इसी वक्त। Really sorry. Really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो खुशी। मुझे क्या पता था कि हम दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। मैंने तो सिर्फ नफरत देखी थी हम दोनों के रिश्ते के बीच में। खड़ूस समझता था मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार तुम्हें देख ही नहीं पाया कि तुम मुझसे कितना प्यार करने लगी हो। मैं तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था तुम्हें खुशी, लेकिन तुम तो अपने से भी ज्यादा अपनी निकली। मैं जिंदगी भर ग्रेटफुल रहूंगा तुम्हारा। अरे क्या गलत नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाए। मुझे अब पता चला कि तुम एक्चुअली मुझसे कितना प्यार करती हो खुशी। ये सारे रिश्ते, खुशियां, इन सबके पीछे भागा करता था ना मैं। Now I realize कि ये सब फेक थे, सब झूठे, और तुम बिल्कुल सच्ची, मेरी अपनी। अगर अब भी मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझा ना खुशी, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं होगा। खुशी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अबीर, कुछ नहीं होगा खुशी को। एक मिनट। डॉक्टर, ये तो सिंक कर रही है। वी आर लूजिंग हर। इसे इंजेक्शन दो फौरन। हाँ। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, प्लीज। मेरी खुशी को सेव करना है आपको। किसी भी हालत में मेरी खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? अबीर, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि आप इमोशनल हैं इस वक्त, लेकिन आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए आप प्लीज मेरी बात मानिए और जाकर के अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मेरी बीवी जिंदगी से लड़ रही और आप मुझे रेस्ट करने को कह रहे हैं? आर यू क्रेजी? आप मेरी बीवी को देखिए, प्लीज देखिए। देखिए, विल डू आवर बेस्ट, लेकिन आप लोग सबसे पहले बाहर जाइए। अगर आप लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे तो खुशी की तबीयत और बिगड़ सकती है। प्लीज सर। जी, चलो। इस सिंदूर की वैल्यू मुझे आज तक समझ में नहीं आई और मैंने आज तक तुम्हारी केयर नहीं करी। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम्हारी मांग में मैंने ये सिंदूर भरा था ना, तब भी मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। आज मुझे इसका मतलब समझ आ गया कि यही वो सिंदूर है जो एक हस्बैंड को वाइफ से जोड़ता है। और आज पूरे हक से तुम्हें इस सिंदूर में लगा के रखूंगा।